है प्रवीण कुमार गुड़गावा डिपो से परिचालक पद पर कार्यरत हूँ और मैं यहाँ अपने इंटेक यूनियन से संबंधित हूँ और मैं ये जनता से और सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि जो ये रोडवेज की लड़ाई है, जो ये रोडवेज की लड़ाई है, ये हमारे अकेले लड़ाई नहीं है, जनता की लड़ाई है। तो इस पर हम बहुत दिनों से लड़ाई चल रही है हमारी, लेकिन हम देख रहे हैं कि कब से जनता भी नहीं समझ पा रही है। लेकिन अब जितना रोड पे पब्लिक आ गई है, जिस हिसाब से पता चल रहा है कि रोडवेज का बेड़ा इतना बड़ा बेड़ा है, लेकिन सरकार इस बात को बिल्कुल इग्नोर करना चाहती है और सरकार हमारी बातों को बिल्कुल दरकिनार रखिए और प्राइवेटाइजेशन पे जा रही है और ये पब्लिक को पता चल चुका है। पब्लिक हमारे साथ हो ये हम उम्मीद करते हैं पब्लिक से। और जैसे तानाशाही सरकार कर रही है पिछले कई सालों से, जब से सत्ता में सरकार आई है, रोडवेज का इतना मतलब इतना ज़्यादा शोषण ये सरकार कर रही है, इससे पहले की सरकार ने नहीं किया। सरकारें बहुत करती आई है, लेकिन सरकार का जितना रुझान इस सरकार का प्राइवेटाइजेशन करने का है, इतना रुझान कभी किसी का पहले नहीं हुआ। और ये सरकार बार 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 वादा करके बार बार मुखर जाती है, लेकिन पब्लिक हमारे साथ है और हमें इस बात का बड़ा खुश है, हम बहुत ही ज़्यादा खुश है और यही हमारी ताकत है। लेकिन ये लड़ाई हमारी नहीं, हमारा अपना पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये पब्लिक की लड़ाई है। पब्लिक हमारे साथ है, सारे डिपार्टमेंट हमारे साथ है और बार बार सरकार वादा करके मुखर जाती है। इसके लिए हमें बड़ा ही मतलब खेद है। और ये सर अभी हमने पहले 16-17 तारीख की थी और अब तो 8 दिन की बढ़ाकर 18-19 करी थी और इसी को देखते हुए सरकार का भी खोया है, बिल्कुल मूड बिल्कुल बदल गया है, सरकार बात करने के मूड में नहीं है और हम इसको और 3 दिन के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। और अगर समय आते रहा, अगर सरकार समय रहते नहीं समझी तो हम इस हड़ताल को अनिश्चितकालीन तौर पर भी कर सकते हैं। कल पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने हमें बगैर हम शांति से बैठे थे, एक तरफ से हमें परमिशन है, हम 300 मीटर के दायरे में हड़ताल कर सकते हैं, हमारे पास कोर्ट के आदेश है। उसके बावजूद भी सरकार ने हमारी अपनी ताकत के साथ हमारी आराम से जो चल रही है हड़ताल, उसको शांति को भंग करने के लिए हमारे कर्मचारियों पर लाठी बरसाई और दूसरे भी भाग से आए कर्मचारियों को भी लाठी बरसाई और उनको भी गिरफ्तार किया गया और हमारे कर्मचारी साथियों को भी गिरफ्तार किया। कितने गिरफ्तार किए गए? 49 साथी हमारे गिरफ्तार किए, जिनमें से 7 अदर डिपार्टमेंट के हैं और बाकी सारे हमारे डिपार्टमेंट के हैं। ये सरकार का बिल्कुल तानाशाही रूप है, इसे स्पष्ट हो रहा है कि सरकार बिल्कुल भी मूड में नहीं है, रोडवेज को बेड़े को बिल्कुल बेचने के चक्कर में है। लेकिन हम सरकार से बार बार अपील कर रहे हैं कि सरकार चेत में नहीं है और ये समय रहते अगर मान जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो सरकार को इसका बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा।